हेलो एंड वेलकम टू इनफेमस फाइव। हमारा आज का टॉपिक जो है गंदगी के बारे में। हम बड़ी बात करते हैं जी, हर मोहल्ले के नुक्कड़ पे गंदगी है, वहाँ पे कचरा कुंडी है, उसको कोई सफाई नहीं करता, और हमारा मुल्क इतना गंदा है, कोई सफाई की बात ही नहीं करता, कोई हाइजीन ही नहीं है हमारे मुल्क में। लेकिन मेरा सवाल, अभी हम जब डिस्कशन कर भी रहे थे इससे पहले, कि क्या वो सिर्फ वो स्टेट डिपार्टमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, या आप जैसे लोग जो इस मुल्क को एक्चुअली लोग हैं, आवाम हैं सो कॉल्ड, हम भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो हमने सोचा आज उस टॉपिक के हम ऊपर डिस्कशन करें, और मैं स्टार्ट करूँगी शाहजेब से, सिंस इट वॉज योर सजेशन। हाँ भाई, या फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस सोल्यूशन टू दिस इज पुट अ फाइन। अगर फाइन लगा दे पूरी आवाम पे कि भाई अगर आपने गंदगी की तो फिर आप पे फाइन लग जाएगा, चाहे 500 रुपये, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, डजेंट मैटर। आई मीन इफ दे स्टिक टू इट देन वी कैन यू नो सॉल्व दिस थिंग। आई मीन ये एवरी संडे मॉर्निंग आप देखते हैं सीवी के रोड पे वो जो ऑरेंज जंप सफाई हो रही होती है हर रोज। अब अगर ऐसा फाइन लग जाए और ये खत्म हो जाए गंदगी जो होते हैं, लोग फुल जूस का डब्बा पी रहे हैं और फिर फेंक देते हैं, यू नो, सो इफ यू डोंट डू दिस दे वोंट हैव टू डू समथिंग। फाइन कौन लेगा ये, यू नो? फाइन भाई देखिए, आप इतने पुलिस हो, अच्छा अभी यार तुमने खड़े होते बेचारे लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं होती, उनको यू नो हर सिग्नल पे रोकते, इससे बेहतर भाई इन चीज पे तवज्जो दे। फॉर एग्जांपल अभी आप बोल रहे हो कि 500 रुपीज दे रहे हो, वो बंदा तो 50 रुपए भी दे देगा, पुलिस वाले मान लेंगे भाई कि हाँ से ये लिटर हो रहा है, 50 रुपए तो मेरी जेब में है। हैव इफ यू आर स्ट्रिक्ट इनफ, इफ यू आर अ डायमंड ऑनर से कि नहीं हम 50 रुपए, हम 500 रुपए नहीं, नहीं थाने चलो, जिस तरह हमें धमकियां देते हैं इस तरह करें तो फिर ऑब्वियसली इट्स गोना गेट सॉ, बिकॉज़ वंस सम वन व्हेन समबडी सीज कि हाँ भाई इफ समबडी टेल्स अ स्टोरी के या उस दिन मैं सीवी पे था, मैंने यू नो आई लिटर्ड एंड आई टू 500 रुपीस एंड दे वुडंट लेट मी गो एंड दे वुड एक्चुअली ब्रिंग इट अप, दे वुड टॉक अबाउट इट। गरीब लोग जो होते हैं, उनके पास तो पैसे होते नहीं, फॉर देम इट्स इवन मोर यू नो इट्स हां, तो उस डर में आके वो करेंगे नहीं, ताकि कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं कहां से दूंगा उसको, यू नो हाउ हाउ इज सपोज टू डू। चलो सही है, अमीर लोग उनके पास तो फालतू का पैसा होता है, वो तो हर चीजों को रात, लेकिन फिर भी भाई तुम अगर कचरा फेंक रहे हो तो रोज तो 500 रुपए अमीर आदमी भी नहीं देगा। अच्छा चलो, इस पे मैं अपना टेक दूं। पहले तो आपने कहा फाइन फाइन देते हैं, ठीक है, आई अग्री, नहीं नहीं आप फाइन दो, जरूर दो, आपने कोई गलती की उसके लिए आप पैसा दो, लेकिन क्या हमारे वो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है फाइन वाला, करना चाहिए, करना चाहिए, करेगा कौन, करेगा कौन, द गवर्नमेंट हैज टू डू इट, द गवर्नमेंट हैज टू पास अ लॉ फॉर दिस, द गवर्नमेंट हैज टू पास लॉ। गवर्नमेंट अपने मसलों से निकले, अपने जेब भरने से निकले, तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगा ना? लेट मी टॉक, दैट्स वन थिंग, ठीक है, गवर्नमेंट करेगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट किसी और अगर वो करेगा भी ना ये सिस्टम, तो वो पैसा जहाँ जिस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए ना, उसके लिए नहीं होगा, वो उनकी अपनी पॉकेट्स भरने के लिए होगा, फर्स्ट थिंग। आप पुलिस वालों की बात करते हो, पुलिस वाले क्या आपको वाकई में लगता है कि अगर उन्होंने जैसे सिंगापुर के, अगर मैं एग्जांपल दूंगी कि वहाँ पे च्युइंगम खाना मना है, ठीक है, वहाँ का आई थिंक बहुत हाई, आई थिंक $500 है कि आपको उतना फाइन देना पड़ता है इफ यू आर फाउंड ईटिंग च्युइंगम इन सिंगापुर। क्या आपको लगता है पुलिस वाले 500 रुपये, अगर हमारे, चलो एग्जाम्पल दूँ मैं, 500 रुपये फाइन है आपके कि अगर आपने गाड़ी से कोई कचरा फेंका नीचे, आपको लगता है पुलिस वाले आपसे 500 रुपये मांगेंगे मुख मुकाओ पे, आप करके यार नहीं चलो ना यार 100 रुपये रख लो ना 100 रुपये रख, ये नहीं होता आपके यहाँ? ये सही बात है, ठीक है, फाइन की अगर तुम लोग बात करते हो, सिग्नल तोड़ने पे भी फाइन है, ट्रैफिक रूल्स पे भी फाइन है, क्या वो फॉलो हो रहा है, यू नो व्हाट आई वुड से, यू नो इवन दे डू हैव फाइंस, नहीं नहीं क्या वो फॉलो हो रहा है, फॉलो नहीं हो, लेकिन बट दे हैव टू डू इट ना, यहां पे बट द थिंग इज दैट यू नो इवन एट अ ट्रैफिक सिग्नल लाइक यू जस्ट से आई नो व्हाट यू आर सेइंग एंड इट विल बी अ सेकंड यू नो पॉइंट टू इट, देयर विल बी अ ट्रैप टू इट, लेकिन सेकंड पॉइंट पे अगर वो ये देखेंगे कि अगर कोई है ट्रैफिक कांस्टेबल साइड में खड़ा हुआ है, तो फिर वो नहीं तोड़ेंगे सिग्नल, यार वो देखेंगे, सॉरी नदा, देखेंगे कि मैं अभी आपको बता रही हूं, हम सबको पता है ड्राइविंग करते हुए फोन पे बात करना मना है, ठीक है, आपकी क्या कैपिटल पुलिस वाले जाते हैं, कैपिटल पुलिस, आप अपनी रोड पे जा रहे हैं, मेन रोड पे, हाँ गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, फोन पे, हाँ अभी आप पीछे भी देख रहे हो, साइड्स पे भी देख रहे हो, आगे भी देख रहे हो, कोई पुलिस वाला टुल्ला है, आप लगे जहाँ पुलिस, अच्छा सुनो एक मिनट होल्ड करो, ठक नीचे, ये तो उसके सामने से गुजरे, जहाँ पे आपने पुलिस वाले को देखा, आपने नीचे कर लिया, आपने उसके सामने से गुजरे, फिर उसके बाद आते हैं, हाँ बॉय, हाँ सॉरी यार पुलिस वाला खड़ा था, आई मीन डू यू रियली फॉलो इट, मेरा पॉइंट ये है, पता लगे कोई मेरा पॉइंट ये है कि हमने देख लिया ये गवर्नमेंट क्या कैपेबल है, हमें पता है ये लॉ फोर्सेस की क्या कैपेबिलिटी है, why even rely on them? No, it's not about relying because you know agar individual responsibility nahi, nahi mujhe mera point ye hai, nahi nahi mera point ye hai, are let me make my point here is
हम पे वो डंडा क्यों किया जाता है, क्यों हम ये सेंस ऑफ ओनरशिप या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे नहीं ले रहे, क्यों हम ये नहीं समझते कि अगर मेरी गली गंदी है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट या वहाँ के जो स्टेटेड डिपार्टमेंट्स हैं या वो जो ऑरेंज वाले जो आपके इस क्लिफ्टन जो भी कंटोनमेंट बोर्ड के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बनाए गए क्योंकि हम जैसे लोग उस मुल्क को या उस जगह को गंदा रख रहे हैं। But the thing is, you know, in my opinion, the human nature is like this कि जब तक हमारा human nature, मैं आपको बताती हूँ, rule और regulation जब तक ये नहीं होती, मैं आपको बताती हूँ, human nature हमारे अगर होते हैं ना तो फिर वो आपको पता होता है कि यार आगे वाले से इसकी कोई पेनल्टी लगने वाली है तो फिर आई माइट एज वेल जस्ट आपके लिए लॉज बनाए हुए। मैं आपको बताती हूँ आपकी आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपके यहाँ लॉज बनाए हुए, आप एक टैक्स तो पे नहीं कर सकते, आप क्या लॉज की बात कर रहे हो? देखेंगे ना भी अगर टैक्स नहीं पे कर रहे तो अगर हमारे घर पे कुछ आए बेचती हूँ कोई नहीं होता ये हमारे आप सुधरेंगे नहीं। फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट सेइंग कि अगर यूरिनल्स लग भी जाते हैं और आई एम सेइंग कि अगर डस्टबिन वगैरह लगा भी दिए जाते हैं इवन इफ दैट इज इम्प्रॉपरली यूज क्योंकि वो है वो लगी हुई है प्रिसाइसली माय पॉइंट, जब तक ये कोई जिस तरह शाहजे पॉइंटेड आउट कि कोई फाइन नहीं लगेगा लोग सुधरेंगे नहीं। Some years back in India, right, yeah. They passed a law that everybody has to wear a seat belt while driving, so, you know, or even while sitting. And would you expect people to actually follow that rule in India? You wouldn't. Lekin sab log karte hain abhi. After some time, slowly when people, you know, finally get used to it. Yeah, they do. You know, fine lagna and law lagna is absolutely zaruri. Shroy has something to say, forget it. Shroy has something to say. My point is that Aisha is right ke log follow nahi karenge. Laws hai, I don't see any laws. Okay, Pakistan mein koi law nahi hai. Apparently कोई भी लॉ नहीं है, लॉज बने हुए लेकिन no one follows it. अच्छा अभी you're saying that signal वाला stop talking on the phone if you see a police constable in the corner. No, listen. You don't. I honestly speaking, I won't. अगर आप एक पुलिस ऑफिसर की शक्ल देखकर आप 2 मिनट रखें और ज्यादा तो पुलिस की क्या मोबाइल मतलब कितने लोग फॉलो करेंगे, मैं बगावत पे भी लिख रहा हूं, आई ब्रेक द लॉज मायसेल्फ. Nay, I'm to be honest. No, to be honest. Yeah. Nay, I don't want to. I do being break honest laws. Right now, I do break the laws. I would throw away a juice bottle. There could be coke or jo bhi. I'm going and my mom baithi hui mere saath. My mom would ask, "Ye tum kya ho? Badtmeez ho? Tum kya ho? Ye?" My mom would just say, "Yeah, my mom seriously, she would say that. Samjhao ki tum aise log hi karte kar rahe ho." Let me support you on this point. Nahi nahi nahi. Abhi ruke. I do feel ki agar jab tak ki koi aapke samne koi penalty nahi lagti. कोई भी लाइक यू नो इन एनी वरना लॉज ही नहीं होता यार, वरना कहते हैं भाई अगर आप इतने अच्छे हैं ना तो पेनल्टी नहीं लगा। अब मैं इसमें सपोर्ट करती हूं, लेट मी गिव यू, मैं आपको बताती हूं ना आप अपने मेंटालिटी के और फड्डे करो ना, फड्डे करो ना आप, ओके एनी इज एक्चुअली दैट वेल तो फिर लॉज नहीं होते ना, ये मोरल की मेंटालिटी। मैं आपको देयर हैज टू बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर फाइन लगेगा पेनल्टी लगेगी तो पीपल विल इंप्रूव, दैट्स जस्ट द केस, वरना फिर कोई रूल और रेगुलेशन होते ही नहीं। इवन स्कूल्स में अगर आपको दिया जाते हैं माइनस मार्क्स दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? अगर माइनस मार्क्स नहीं होते सबसे ज्यादा बदतमीज आपकी क्लास होती। अच्छा अभी आप ये माइनस मार्क्स छोड़े, आई एम सेइंग कैन आई मेक माय पॉइंट, इस मुल्क की मेंटालिटी के बारे में अगर आप बात करती हैं, फॉरगेट पूरा मुल्क, मैं आपको डिफेंस के साइड की बात बताती हूँ। आपके पास 2000 गज के घर बने हुए हैं, फुल हाई फाई लोडेड इटालियन किचन है, फर्नीचर आपके बाहर अंदर, 3-4 आपकी प्राडोज मर्सिडीज सब खड़ी होती हैं, लेकिन आपके घर का जो कचरा है ना वो आपके घर के जो पीछे वाली प्लॉट पे होगा ना वो वहाँ पे फेंका जाता है। ये आपके मुल्क की मेंटालिटी है। डूड, अ ट्रक कमिंग इन, फाइन। यार देखो मेरी बात जो है ना, why be dependent on all these departments in first place? Why can't you do it yourself? Why can you नहीं होता कोई मेरा बात नहीं होता, अगर कोई पेनल्टी नहीं लगती है तो इंसान सुधरता नहीं है, that's a simple way, human nature हमारी। फिर ये बात रही निदा, not about Pakistanis, it's not, I'm not talking about Pakistani, I'm just making a point कि अगर आप human nature की बात करिए तो फिर हमारे यहाँ अंदर है dependency and blaming others। आप department नहीं काम करी, गवर्नमेंट ने काम करी, हम तो कचरा फेंकेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कलेक्ट करें। अच्छा आई वांट टू गिव अ पॉइंट, आई वांट टू गिव अ पॉइंट, आई वांट टू गिव अ पॉइंट राइट नाउ, गो अहेड। लिसन,
पाकिस्तान लोगों को ना मतलब सिटीजन को स्पॉइल किया हुआ है ये गवर्नमेंट की जो जो चीज़ें से मतलब ये ड्रग्स आ रही है ये कि स्पॉइल किया हुआ है मतलब आपके यहाँ अगर पैसे है अगर यू पेइंग ओनली लाइक 200-500 अ मंथ और तुम्हारे आपके घर के बाहर से कचरा उठा रहे तो हु हैज अ प्रॉब्लम अमेरिका में क्या होता है वो पिक कर रहा है तो वो कह रहे हो कि वगैरह तो आप डिपेंडेंट नो नो बीमारी होती है दो दिन के बाद अगर तुम कचरा लेने आते हो आई टेल यू नॉट मेकिंग माई पॉइंट इट वॉज माई पॉइंट अगर आपका कचरा फेंक दो क्योंकि आपको पता है एक बंदा आके आपका कचरा उठा के जाएगा ए आप क्या उसके गार्बेज कैंस नहीं लगाते अपने घर के बाहर के आपको वहां से आके उठाएं सेकंड नहीं जस्ट बात ही की बात नहीं आप अभी डिपेंडेंसी की बात कर रही हो व्हाई आर यू बीइंग डिपेंडेंट ऑन द लॉ मेकर्स टू सेट फाइंस फॉर यू ताकि तुम वो चीज नहीं करो नहीं दैट इज नॉट द पॉइंट इज आई एम सेइंग इट दैट इज इट खेल दिया दिस इज पॉइंट प्रूवेड आई एम गिविंग एन अल्टीमेटम ये तो आई एम गिविंग एन अल्टीमेटम लॉस तो बन गई नहीं भाई हर मुल्क का एक यू नो कॉन्स्टिट्यूशन होता है रूल्स होते हैं लिसन आज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज योर ड्यूटी भाई आप बहुत अच्छे हैं शादीम आप अच्छा टेल मी वन थिंग टेल मी वन थिंग व्हेन यू मेक अ डिसीजन यू डिपेंड ऑन एक्साइटेड यू आस्क हिम ओके मैं बाथरूम जाऊं यू टेक द डिसीजन ऑन योर ओन राइट व्हाई आर यू एम्पलीफाइंग योर वॉल्यूम मैन कम डाउन पीपल विल अटैक यू शादीम को क्यों ले आए अपने शो में यार बात तो कम डाउन बात वही होगी हम कहते हैं जी प्रेसिडेंट जरदारी ने ये किया प्राइम मिनिस्टर ने ये किया सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे फाइन लगाओ फाइन लगाओ देखो क्या होता है नहीं नहीं देखो फाइन लगाओ क्या होता है भाई निदा का और शाज़ीर ने भी टू सम एक्सटेंट ये पॉइंट रेज किया है कि फाइन लगाना चाहिए मेरा और शिरोय का पॉइंट ये है कि फाइन लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप और मुझ में अगर आप और मुझ में थोड़ी सी ये फीलिंग आ जाए कि इस मुल्क को थोड़ा सा बेहतर बना ले तो क्या बुराई है रिसाइक्लिंग अब आप लोगों पे आप इतने तो बन गए इतने अच्छे बन गए आप पे ये छोड़ते हैं कि आप डिसाइड कर लें हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग एंड ऑन दिस नोट आई एंड द शो टाटा